हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि जिसको ब्लड शुगर्स की प्रॉब्लम है तो किस तरह से कंट्रोल करें। घर का खान पान बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जितना आप दवाइयाँ लेते हैं उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है। अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको अपनाएं तो आपका जो शुगर है या डायबिटीज़ है वो काबू में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आप ये इंग्रेडिएंट देख पा रहे हैं, ये सत्तू है। सत्तू बहुत ही फेमस है क्योंकि जो बिहारी लिट्टी और चोखा बनता है, यानी कि लिट्टी बनती है या बाटी बनती है, उसमें सत्तू का ही इस्तेमाल होता है उसे बनाने में, और शायद ही कोई होगा जिसे ये लिट्टी चोखा पसंद ना हो। तो सत्तू बहुत ही ज़्यादा जो है लाभकारी होता है, गुणकारी होता है, बहुत इसके फायदे हैं अगर इसे नियंत्रित मात्रा में लिया जाए, यानी कि इसका ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम सत्तू से ही जानेंगे किस तरह सत्तू से डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और आपको इसका इस्तेमाल किस तरह से लेना है। तो दोस्तों, सत्तू, वैसे तो आप सत्तू का सेवन बहुत तरीके से कर सकते हैं। सत्तू के पराठे बनते हैं, सत्तू की कचौड़ी बनती है, सत्तू का शरबत बनता है। अगर आपने पहले कभी सत्तू का इस्तेमाल नहीं किया है तो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। आप सत्तू को बाज़ार से ला सकते हैं, मार्केट में सत्तू के जो पैकेट्स होते हैं वो आते हैं। घर का बना अगर आपको सत्तू कहीं से मिल जाता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। सत्तू दोस्तों ठंडक देता है गर्मी के मौसम में, इसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन होता है क्योंकि ये भुने हुए चने आदि से बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सत्तू जो है हमारा काम करेगा। तो सत्तू का सेवन करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, सबसे पहले तो आपको एक इस तरह से ग्लास लेना है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सत्तू, दो चम्मच के लगभग सत्तू ले लेना है। और दोस्तों आपको पता ही है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में ना रहे तो आँखों में, किडनी में और स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको अपना खान पान बहुत ही ठीक रखने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपका भी ब्लड शुगर या आपके घर में, आपके जान पहचान में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही दिन में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सत्तू में बीटा ग्लूकोन होता है जो शरीर में बढ़ते ग्लूकोज के अवशोषण को कम करने में मदद करता है, जिससे जो हमारे खून में ब्लड शुगर का लेवल होता है वो नियंत्रण रहता है। चलिए इसको बना देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा पानी डालेंगे। ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी आपको नहीं लेना है यहाँ पर। और अच्छे से इसे घोल लेते हैं जिससे इसमें लम्प्स ना रहें। पूरा 1 ग्लास हमने इसमें पानी डाल लिया है, 2 चम्मच लिया था भर करके सत्तू। शुगर के जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, उन्हें सिर्फ 1 ग्लास ही इस सत्तू के पानी का इस्तेमाल करना है डेली। अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो इसे थोड़ा पचाना मुश्किल होता है, आपको एसिडिटी और पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आप वैसे भी, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी आप नॉर्मल उसमें भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सत्तू बहुत सारे पोषण तत्वों से भरपूर होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्यून मतलब बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं बनाया है तो आप ये सत्तू का शरबत बना करके फटाफट पी सकते हैं, इससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें नमक मिलाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर मेरे पास है सेंधा नमक, तो स्वाद के लिए ही बस नमक को यहाँ मिलाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर जो होता है, आप सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो डायबिटिक लोग हैं यानी शुगर पेशेंट हैं, उनको जीरा का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा
प्याज वगैरह भी काट करके डाल सकते हैं। और ये जो आपकी सत्तू की ड्रिंक है पीने के लिए तैयार है, तो एक गिलास भर करके आप ये सत्तू की ड्रिंक को बनाइए। इसका नियमित रूप से सेवन कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ना सिर्फ बूढ़े लोगों में बल्कि जवान लोगों में भी डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देसी नुस्खा आप अपना करके देखिए, आई होप आपको ज़रूर मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।